Good morning, everyone. Continuing with our next lecture of the chapter 8 RBI, difference kya hai central bank aur commercial banks mein? Jo main aim hota hai central bank ka, hota hai public welfare ya entire country ki well-being. Jabki jo commercial bank ka aim hota hai, wo hota hai profit earn karna. Central bank ka कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता है पब्लिक से, जबकि कमर्शियल बैंक्स का लिंक डायरेक्ट होता है पब्लिक से. जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, जबकि कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट ओन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो गवर्नमेंट ओन्ड है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें गवर्नमेंट ओन्ड नहीं करती है. सेंट्रल बैंक कम्पीट नहीं करता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, रादर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, बैंकर्स का बैंक या एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट्स कमर्शियल बैंक्स के लिए, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स है वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं. जो सेंट्रल बैंक है उसके पास मोनोपोली है नोट इशूइंग की, कमर्शियल बैंक्स नोट इशू नहीं कर सकता है. जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्री के, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स है उनको ऑपरेट करता है डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर सेंट्रल बैंक. देन जो सेंट्रल बैंक है वो कस्टडियन होता है कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज का, जबकि जो कमर्शियल बैंक से फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस कर सकते हैं लेकिन सेंट्रल बैंक से अप्रूवल लेने के बाद. देन जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर होता है गवर्नमेंट का, सारी बैंकिंग की जो एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट की वो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है. जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस करते हैं लेकिन सिर्फ एज एजेंट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर है कमर्शियल बैंक्स का, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक पार्ट सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है एज कैश रिजर्व. जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को, कंट्रोल करता है क्रेडिट को और फंक्शन करता है एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर अदर बैंक्स, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो परफॉर्म करते हैं ये फंक्शन एज एजेंट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. तो ये था हमारा चैप्टर आरबीआई का. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दो मेन टॉपिक्स, एक तो आपका मेन फंक्शंस क्या हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और दूसरा इसका रोल इंडियन बैंकिंग सिस्टम में और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या उसने अचीव किए हैं जब से वो एस्टैब्लिश हुआ, तो ये सिंपल आप कह सकते हैं इसके अचीवमेंट्स और फेलियर्स क्या रही हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कंप्लीट होता है. Thank you so much.